हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टू कलर का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक सा स्वेटर डिजाइन पैटर्न। फ्रेंड्स, ये डिजाइन जो है देखिए 9 के मल्टीपल बनेगा, प्लस 7 फंदा लेंगे तो आपका डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 27 फंदे लिए हुए हैं और इसे आप किसी भी ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, ऑल प्रोजेक्ट में आप इस डिजाइन को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम फर्स्ट रो जो है ऐसे कोई भी बॉर्डर बना लीजिए, फिर इसके बाद सेकंड कलर को ऐड कर लीजिए और ये फर्स्ट रो को आपको सीधा बुनते हुए देखिए, हमने यहाँ साइड ये 1 फंदा बुना, फिर 1, 2, 3, 4। तो देखिए फ्रेंड्स, ये धागे जो इधर उधर रहते हैं तो इसको ऐसे छुपा देना चाहिए। तो देखिए, 1 साइड का ऐड स्टिच है और 1, 2, 3, 4, 5 फंदे बुना, 2 फंदा स्लिप करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 फंदा सीधा, फिर इसके बाद आप देखिए यही 1 साइड का ऐड स्टिच है, 5 फंदे बुना और ये 4 फंदे, ये 9 फंदे आपको बार बार रिपीट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ पर 2 स्लिप किया और 2 फंदा सीधा बुना, और ये देखिए लास्ट में 5 फंदे 1 साइड का ऐड स्टिच, इनको भी हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमारा ये रो 1 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हमारा सेकेंड रो है बैक साइड, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 5 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, धागा आगे, 2 फंदा सीधा बुनेंगे, सॉरी उल्टा बुनेंगे, और ये 2 फंदा स्लिप कर लेंगे। अब देखिए यही आपको रिपीट करना है, धागा पीछे, अब देखिए यहाँ पर 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, धागा पीछे, सॉरी ये 2 फंदा स्लिप कर लेंगे और धागा को पीछे ले जाएंगे, 5 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, ये साइड का है। तो फ्रेंड देखिए, हमारा डिजाइन पैटर्न का ये 2 रो कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड रो है राइट साइड। अब देखिए, यहाँ पर हर 2 सिलाई के बाद जो है कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना दूसरा कलर ले लेते हैं बेस कलर, फर्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, इसके बाद 5 फंदा ये भी सीधा बुन लेंगे। तो साइड का ऐड स्टिच लेके टोटल यहाँ पर हम 6 फंदा, देखिए 1 साइड का ऐड स्टिच है और ये 5 फंदा है। अब देखिए, ये फंदा और ये फंदा दोनों को हमें ट्विस्ट करना है। तो व्हाइट फंदा हम बैक से लेंगे और ये देखिए इसको हम फ्रंट से ले लेंगे, इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। और ट्विस्ट करने के बाद देखिए, वाइट हमें बुनाई नहीं करना है, केवल पिंक फंदा हम बुनेंगे, यही आपको करना है। अब देखिए, 5 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 हो गया, 3, 4, 5, अब यहाँ ट्विस्ट करेंगे, पिंक कलर का हम ऊपर से लेंगे और वाइट कलर का ऐसे नीचे से ऐसे। अब इसे ट्विस्ट करने के बाद देखिए, सॉरी इन फंदों को हमें बुनाई नहीं करना है, इन 2 फंदों को हम बुनेंगे, सॉरी। देखिए यहाँ पर हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्विस्ट करना है। तो यहाँ देखिए, फ्रंट से हम पिंक लेंगे और बैक से वाइट लेंगे। अब इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, तो यहाँ पर इसको हम बुनेंगे, जो हमारा पिंक कलर है इसको हम बुनाई करेंगे, 1, 2,
अब फाइव फंदे, 1, 2, 3, 4 तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 फाइव फंदे हमने बुन लिया। अब देखिए यहाँ ट्विस्ट करेंगे, जो हमारा ये बैक से हम वाइट लेंगे और ये फ्रंट से हम ये पिंक कलर का ले लेंगे। देखिए इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, वाइट हमें बुनना नहीं है और ये पिंक कलर का हम बुनेंगे। फिर इसके बाद ये फाइव फंदे लास्ट में हैं, इनको हम सीधा बुन लेते हैं। देखिए और वन साइड का एड स्टिच है, इसको हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो गया। अब ये रो 4 है और बैक साइड है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे धागा पीछे। अब देखिए फाइव फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1, 2 अब ये जो 2 फंदा है इसको हम स्लिप कर लेंगे। इसके बाद धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, और ये वाइट फंदा जो है ना इसको हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 धागा आगे, 1 फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स हमारा ये डिजाइन पैटर्न का 4 रो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हमारा जो है ये 5 रो है, तो यहाँ कलर चेंज हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि हर 2 सिलाई के बाद आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1 फंदा साइड का एड स्टिच है, इसको बुन लेंगे। इसके बाद 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 अब ये 2 फंदा इसे हम बुन लेंगे। देखिए और ये 2 हम इस तरीके से स्लिप कर देंगे। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर ये 2 स्लिप करेंगे। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 1 ये जो है साइड का एड स्टिच, इसको बुनेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये डिजाइन पैटर्न का देखिए 5th रो कंप्लीट हो गया। 6th रो है बैक साइड, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 धागा आगे, 2 फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 धागा आगे, 2 फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी साइड रहेगा, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5 धागा आगे, 1 फंदा उल्टा है साइड का एड स्टिच। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने ये 5 और 6 बुना है ना, सिर्फ कलर चेंज होगा, सेम आपको वही पैटर्न बनाना है। तो यहाँ देखिए आपको बता रहे हैं, 1 फंदा बुन लेंगे। इसके बाद ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अब इसके बाद ये 2 वाइट फंदा ना इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब ये 2 फंदा हम इसे स्लिप करेंगे। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 साइड का एड स्टिच है, इसको सीधा बुनेंगे। तो ये डिजाइन पैटर्न का हमारा 7th रो कंप्लीट हो गया। 8th रो है बैक साइड, फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1, 2,
थ्री फोर फाइव, धागा आगे, टू फंदा उल्टा, अब टू फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, वन टू थ्री फोर फाइव, धागा आगे, टू फंदा उल्टा, धागा पीछे, सॉरी ये टू फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फाइव फंदा सीधा, वन टू थ्री फोर फाइव, धागा आगे, वन फंदा उल्टा। तो फ्रेंड देखिए, ये डिजाइन पैटर्न का हमारा ये सेवन एट रो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसी तरीके से 9, 10, 11, 12 हमें ऐसे कंप्लीट करना है। 14 तक देखिए हम कंप्लीट करेंगे ना। यहाँ पर हम ये ऐसे दो दो सिलाइयों पे कलर चेंज करते जाना है, सेम पैटर्न आपको यही आपको रिपीट करना है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, ये रो नाइन्थ है। देखिए टू स्लिप सॉरी वाइट है ना, तो वाइट फंदा ये टू बुनाई करेंगे। देखिए वन टू, अब ये टू स्लिप कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टू स्लिप करेंगे। अब देखिए वन टू थ्री फोर फाइव ये सिक्स, तो हमारा ये नाइन्थ रो कंप्लीट हो गया। ये टेंथ रो है बैक साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फाइव फंदा सीधा, वन टू थ्री फोर फाइव, धागा आगे, टू स्लिप करेंगे और टू फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये इसी तरीके से आप पूरी रो को टेंथ रो को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमने देखिए फर्स्ट रो में यहाँ पर ट्विस्ट किया था ना, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में ट्विस्ट किया था। इसके बाद आप सेम जैसे रिपीट किया है, देखिए दो दो सिलाइयाँ हम बुनते गए हैं, तो दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह, चौदह सिलाई के बाद आप यहाँ पर देखिए फिर अगेन यहाँ ट्विस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सॉरी देखिए ये साइड का एड स्टिच है, इसे लेकर के ये सिक्स फंदे हमारे हुए, ठीक ना। ये हमारा रो सॉरी 15 है। अब यहाँ पर देखिए ट्विस्ट करना है, पहले हमने इसे जो है लेफ्ट साइड ले गए थे, अब हम इसे हम देखिए इसे आपको पिंक कलर जो आपका बेस कलर है उसे ऊपर ही रखना है। अब इसको हम फ्रंट से देखिए राइट साइड ले जाएंगे, पहले हमने लेफ्ट किया था, अब हम पिंक को राइट इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे, ठीक ना। और ट्विस्ट करने के बाद हम पिंक कलर को बुनाई करेंगे। देखिए यहाँ पर, और जो वाइट कलर का है इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, अब देखिए यहाँ पर हम जो है वन टू ये टू फंदे जो है ना ऐसे फ्रंट से लेंगे और इसको हम ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पिंक कलर हमारा कलर है, तो पिंक कलर का ये टू फंदा बुनेंगे। देखिए सारे जो हैं सेम बुनाई करने हैं, केवल यही फोर फंदे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और ये टू फंदा आपको स्लिप कर लेना है। इसके बाद आपके सिक्स फंदे हैं साइड के एड स्टिच लेने और फाइव फंदे डिजाइन के, ये आप इसे बुनाई कर लीजिए। अब देखिए यही आपको करना है, ठीक ना। आप टू रो में यहाँ पर फर्स्ट रो में ट्विस्ट करेंगे, इसके बाद आपको तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से आप फिर ना ऐसे 13 रो बुनाई करेंगे। तो जैसे आपने फर्स्ट रो में यहाँ से ऐसे ट्विस्ट किया था, सेम आपको उसी तरीके से ट्विस्ट करना है। ये देखिए बनाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी,
बस आपको यही करने करते जाना है कि फर्स्ट रो में रिपीट करेंगे, इसके बाद 13 रो बुनेंगे, फिर 15 रो में आप जो है ट्विस्ट करेंगे। पहली बार आप जो है लेफ्ट ले जाएंगे और फिर सेकेंड बार में इधर राइट ले जाएंगे, फिर आप इसे 13 रो बुनाई करेंगे, फिर इधर आप ट्विस्ट करेंगे। तो जब इस तरीके से करते जाएंगे ना, तो पूरी डिजाइन देखिए इस तरीके से बनकर आएगी फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी सा है। तो इसे आप बनाएं। अगर आपको डिजाइन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।